हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वीडियो काइंड्स ऑफ नॉन। आज की वीडियो जो है काइंड्स ऑफ नॉन या टाइप्स ऑफ नॉन के बारे में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और भी ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ नॉन और काइंड्स ऑफ नॉन बोथ आर द सेम। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, कंक्रीट नॉन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मटीरियल नॉन। देर इज़ ए माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू आइटम्स। अब्स्ट्रैक्ट नॉन, पोजेसिव नॉन, नंबर नॉन, कंपाउंड नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन आर मास नॉन, मस्कुलाइन नॉन, फेमाइन नॉन। दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ नॉन आर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टाइप्स ऑफ नॉन। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन एंड कंक्रीट नॉन एंड अदर टाइप्स ऑफ नॉन वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज। प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो प्रॉपर नॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर यानी स्पेशल, खास, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो नॉन, नॉन मीन्स नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। एग्जाम्पल, माई नेम इज़ मार्क, मीनिंग मेरा नाम मार्क है। माई कज़न लिव्स इन नॉर्वे, मीनिंग मेरा चचेरा भाई नॉर्वे में रहता है। तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए प्रॉपर नॉन क्या है, माय नेम इज़ मार्क, यानी मार्क जो है ये पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर नाम है किसी आदमी का, खास नाम है, स्पेशल नाम है। तो इसमें जो है मार्क, इस सेंटेंस में मार्क जो है ये प्रॉपर नॉन है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में, माई कज़न लिव्स इन नॉर्वे, तो नॉर्वे इज़ ए नेम ऑफ ए कंट्री एंड इट इज़ ए स्पेशल नाम नेम। तो और दूसरी कंट्री का नाम जो है नॉर्वे नहीं है, इसलिए इसमें नॉर्वे जो है प्रॉपर नॉन है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नॉन, अब प्रॉपर नॉन को समझते हैं कि प्रॉपर नॉन होता है क्या है, कैसे होता है। द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नॉन। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि द डेज ऑफ द वीक यानी हफ्ते के जो दिन होते हैं या साल के जो महीने होते हैं वो जो हैं प्रॉपर नॉन हैं। क्योंकि देखिए डेज ऑफ द वीक जो हैं, संडे है तो संडे है और कोई दूसरा संडे नहीं होता है, मंडे है तो मंडे, कोई दूसरा मंडे नहीं होता है। इसी तरह मंथ्स, जनवरी है तो जनवरी रहेगा, फरवरी है तो फरवरी रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा जनवरी नहीं रहता है, इसलिए ये जो है प्रॉपर नॉन है। एग्जांपल, एवरी संडे माइक विजिट द चर्च, मीनिंग हर रविवार माइक चर्च जाते हैं। तो संडे जो है इस सेंटेंस में, संडे जो है ये प्रॉपर नॉन है बिकॉज संडे इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर डे। इसी तरह क्रिसमस कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर इज़ द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए मंथ। तो इसी तरह इसका मीनिंग क्या है, क्रिसमस दिसंबर के महीने में आता है, इसलिए संडे और दिसंबर जो है ये प्रॉपर नॉन है। द नेम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सम स्पेशल डेज आर प्रॉपर नॉन। फेस्टिवल्स के नाम और किसी स्पेशल डेज के नाम वो भी प्रॉपर नॉन में आते हैं। एग्जाम्पल, क्रिसमस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, क्रिसमस मेरा पसंदीदा त्यौहार है। तो इसलिए ये भी जो है प्रॉपर नॉन है, क्रिसमस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। इस सेंटेंस में क्रिसमस जो है ये फेस्टिवल है, एक स्पेशल फेस्टिवल है, इसलिए प्रॉपर नॉन है। द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेंस, रिवर्स एंड सीज आर ऑल्सो प्रॉपर नॉन। तो इन चीज़ों के नाम, बिल्डिंग्सों के नाम, माउंटेंस के नाम, रिवर्स के नाम और सीज के नाम, ये भी जो हैं प्रॉपर नॉन है। एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट ऑफ वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरे वर्ल्ड में एक ही है और जो चाइना में है, मीनिंग मैंने चीन की महान दीवार देखी है। तो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ही है, तो इसलिए इस सेंटेंस में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये प्रॉपर नॉन है। लाइक द सेम वे, मैनी पीपल हैव क्लाइंबर द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इट इज़ ऑल्सो स्पेशल नेम।
therefore it is also a proper noun, meaning बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं. कॉमन नाउन डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, रिप्रेजेंट ऑनली जर्नल नेम्स लाइक बॉयज गर्ल्स सिटी स्कूल डॉग्स कार्स एंड सो ऑन. कॉमन नाउन जो है ये किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ये जर्नल नेम्स जो होते हैं लाइक बॉयज, यानी बॉयज अगर बॉय है तो कोई दूसरा भी बॉय हो सकता है, गर्ल है तो कोई दूसरी भी गर्ल हो सकती है, सिटी है तो कोई और भी सिटी हो सकती है. एग्जाम्पल टीचर्स टीच इन ए स्कूल, मीनिंग शिक्षक एक स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी टीचर्स या टीचर, एक टीचर है दूसरा भी टीचर हो सकता है. टीच इन ए स्कूल, अगर एक स्कूल में पढ़ाता है तो किसी दूसरे स्कूल में कोई दूसरा टीचर पढ़ाता होगा, इसलिए ये कॉमन है. बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, तो ट्रीज़ कोई स्पेशल ट्री नहीं है, बर्ड किसी भी ट्री पर बैठ सकता है. अगर किसी एक दरख्त को ट्री कहते हैं तो दूसरे दरख्त को भी ट्री कहेंगे, मीनिंग पक्षी पेड़ पर रहते हैं, तो इसलिए ये जो है कॉमन नाउन है. कोलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम ए ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेसेस एनिमल्स आर थिंग्स. कोलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग. कोलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स आर थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल ए फ्लॉक ऑफ शीप, मीनिंग भेड़ों का झुंड. तो देखिए भेड़ों का जो झुंड होता है वो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स होता है, यानी वो झुंड में चलते हैं, झुंड की तरह होते हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं. ए हार्ड ऑफ कैटल्स, मीनिंग मवेशियों का झुंड. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की एक सेना, यानी जो भी ग्रुप में आते हैं चाहे वो पर्सन हो प्लेस हो एनिमल्स हो थिंग्स हो, वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं. कंक्रीट नाउन, थिंग्स दैट हैव मटेरियल बॉडीज आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन, यानी कंक्रीट नाउन क्या होता है जिनकी मटेरियल बॉडी होती है, इसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं. मोर और फाइव सेंसेस लाइक स्मेल टेस्ट टच सी एंड हीरिंग कैन बी आल्सो कंक्रीट नाउन, तो इसके अलावा जो हैं ये चीज़ें भी कंक्रीट नाउन में आती हैं, लाइक स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल आए, या टेस्ट करना या टच करना, किसी चीज़ को देखना या सुनना, वो भी कंक्रीट नाउन में आते हैं. एग्जाम्पल द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मीनिंग कुत्ता एक वफादार जानवर है. यहाँ पर द डॉग जो है वो कंक्रीट नाउन में आता है. शी गेव मी ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, मीनिंग उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया. शी गेव मी ए बकेट, बकेट जो है ये कंक्रीट नाउन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेकर ग्रामर की वीडियोस बनाता रहता हूँ. अपकमिंग वीडियोस अदर काइंड्स ऑफ नाउन, जो बाकी टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं